रेडियस का एक सर्कल रूप बन जाता है इफ द दर्फेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज टी ओके देन वी नीड टू फाइंड आउट द सर्फेस कितना टेंशन होगा ओके okay? उस थ्रेड में तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो सर्फेस टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन इज टी एंड रेडियस इज आर ओके इनिशियली क्या था इनिशियली एक सोप का फिल्म था ठीक है लेट लेट्स कंसिडर दैट दिस इज द सोप फिल्म ओके कुछ ऐसा सोप का फिल्म था एंड देर इज़ अ लूप इज़ ठीक एक आर रेडियस का एक लूप को यहाँ पुट किया गया उसके बाद जब इसको इनसाइड से पंक्चर किया गया देन हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक ठीक ये एक सर्कल बनता है ठीक फाइनली इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस ठीक ये एक सर्कल बनेगा एंड यहाँ पे सोप के फिल्म्स होंगे इसके आसपास, ओके एंड दिस साइड तो यहाँ पे जो भी सोप के सॉल्यूशन होगा यहाँ पे टेंशन लगेगा दैट इज ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक यहाँ पे टेंशन लगेगा दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स ओके एंड दिस इज विल बी द लूप ऑफ रेडियस आर ठीक तो हम इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा ठीक है तो इसको हम हाफ पर से ब्रेक करते हैं दैट इज लेट करते हैं हम इसको इतने पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ओके इतने पार्ट को हाफ ठीक हाफ पार्ट को जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा दैट इज़ टू आर डायमीटर्स का टू आर इस पर सर्फिस टेंशन फोर्स कितना लगेगा ठीक ये नेगेटिव एक्शन लगेगा दैट इज़ ऑन दिस डायरेक्शन ओके तो नेट फोर्स का कंपोनेंट किस पे लगेगा दैट इज़ टोटल टेंशन टी इंटू टू आर जितनी लेंथ पे इट इज गोइंग टू एक्ट ठीक है हम वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि इस पर ऑर्िजेंटल फोर्स लगाएगा ठीक तो है तो कितना लेंथ होगा जिस जिसपे ऑर्जेंटल फोर्स तो लगेगा दिस विल बी टू आर इन ये सोप सॉल्यूशन है सो so, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा दो लेयर्स होंगे यहाँ पे एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा सो टू टाइम्स ऑफ टू इंटू टू आर इट विल गोइंग टू बी बैलेंस भाई हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है दिस इज ओनली द टेंशन फॉर जो उनको फाइंड आउट करना है इसको एफ मार्क कर लेते हैं ठीक है इज इक्वल्स टू टू एफ एफ क्या है हमारा वो टेंशन है टी क्या है था सरफेस टेंशन ओके सेन फाइनली जो एफ आएगा दैट इज़ टेंशन इन स्ट्रिंग ओके